मारुति स्विफ्ट और बलेनो दो ऐसी मारुति की सुपर हिट गाड़ियां हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी ले, वो कंफ्यूज्ड है बिकॉज दोनों ही गाड़ियों की जो प्राइसिंग है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर आप स्विफ्ट से थोड़ा सा ज्यादा पे करेंगे तो आपको जो है बलेनो मिल जाती है। तो इन दोनों में से कौन सी ले इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो भी डाउट है इन दोनों गाड़ियों को लेकर वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आपको बस एक ही काम करना है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर लेना है। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से। अभी एक्सटीरियर में सबसे पहले आते हैं लुक्स। अभी लुक वाइज सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। मुझे पर्सनली दोनों ही गाड़ियों के जो लुक्स है वो काफी पसंद है। अभी बलेनो ऑलरेडी काफी ज्यादा गुड लुकिंग कार थी लेकिन अभी इस अपडेट के बाद ये और भी काफी ज्यादा आकर्षक लग रही है। इस गाड़ी के अंदर आपको काफी सारे नए शार्प एजेस मिलते हैं जिसकी वजह से ये और भी काफी ज्यादा स्पोर्टी लगती है। साइड डिजाइन आपको पुराने बलेनो जैसा ही मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो बैक डिजाइन है इसका वो भी काफी ज्यादा आपको अपडेटेड मिलता है। तो डेफिनेटली अपडेट के बाद जो है ये गाड़ी अभी और भी काफी ज्यादा मॉडर्न लगने लगी है। वही अगर मैं बात करूँ स्विफ्ट के बारे में, अभी स्विफ्ट के अंदर जो है आपको एक कन्वेंशनल स्पोर्टी डिजाइन मिलती है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आती है। अगर आप इस गाड़ी को ऐसे सामने से देखते हो तो काइंड ऑफ एक सस्ती मिनी कूपर होती है ना, वैसी आपको फीलिंग मिलेगी इसको देखकर। एंड ओवरऑल डिजाइन इसका भी काफी बढ़िया है लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसमें अपडेट की जरूरत है बिकॉज इस गाड़ी का जो डिजाइन है ना वो बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है। तो ये था मेरा ओपिनियन दोनों के डिजाइन के रिगार्डिंग। अभी अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी के बारे में, अभी बिल्ड क्वालिटी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी जो कि होती है शीट मेटल वगैरह, और बाकी होती है इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी। सबसे पहले एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो बलेनो का जो पुराना मॉडल था उसमें काफी ज्यादा आपको खोखली शीट मेटल मिलती थी, थोड़ा ही दबाने पर उसका जो ऐसे मेटल है ना वो अंदर चला जाता था। बाकी उसमें एक और काफी मेजर कंप्लेंट थी कि हाईवेज पर जब गाड़ी चलती थी तो ऑटोमेटिकली उसमें डेंट्स पड़ जाते थे उसकी शीट मेटल में। लेकिन ये सारी जो इश्यूज है ना वो नए बलेनो के अंदर फिक्स हो चुकी है। डेफिनेटली जो शीट मेटल है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी जो डोर का थ्रेड वाला साउंड है, जो बोनेट का वेट है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूव किया गया है। बिल्ड क्वालिटी वाइज डेफिनेटली बलेनो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर सही लगी। वही स्विफ्ट की बात की जाए तो स्विफ्ट को भी बलेनो के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है लेकिन फिर भी उसकी जो शीट मेटल क्वालिटी है ना वो उतनी ग्रेट नहीं है, थोड़ी कोकली वो फील होती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी शार्प एजेस या फिर क्रीसेस नहीं मिलते जिसकी वजह से छोटे इंपैक्ट पर ही इसमें आसानी से डेंट पड़ने के काफी ज्यादा चांसेस है। अगर मैं बात करूँ इंटीरियर क्वालिटी के बारे में तो इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी मुझे दोनों की सेम लगी है, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। जो फिट फिनिश है वो भी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इंटीरियर देखने के हिसाब से मुझे जो है पर्सनली बलेनो का जो है मुझे पर्सनली ज्यादा बेहतर लगा, काफी ज्यादा मॉडर्न लगता है इसका इंटीरियर। और जब आप बलेनो के अंदर बैठते हो तो एक प्रीमियम हैचबैक वाली जो फील है ना वो आपको डेफिनेटली मिलती है इसके अंदर। तो ये था दोस्तों कंप्लीट इसकी बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की तो कंफर्ट वाइज यहाँ पर मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि दोनों के जो सामने की सीट्स है ना वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी कंफर्टेबली आप उसमें बैठ सकते हो। जो थाई सपोर्ट है और जो बैक सपोर्ट है वो आपको काफी बढ़िया मिलता है, इवन जो सीट की कुशनिंग है ना वो भी आपको काफी अच्छी मिलती है। अभी पीछे की सीटों की बात करूँ तो पीछे की सीटों का जो रिक्लाइन एंगल है वो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन फिर भी जो थाई सपोर्ट है ना वो मुझे स्विफ्ट के सीटों में थोड़ा सा बढ़िया लगा, बाकी कुशनिंग वगैरह दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये था दोस्तों दोनों के प्रैक्टिकलिटी के रिगार्डिंग। अभी अगर मैं बात करूँ कुछ और प्रैक्टिकल चीजों के बारे में जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस, अभी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अभी पुरानी जो स्विफ्ट थी उसके अंदर केवल 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस थी लेकिन अभी फेसलिफ्ट के बाद 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्विफ्ट के अंदर मिलती है। इवन बलेनो के अंदर भी आपको 170 mm ही मिलेगी। बाकी जो टायर साइज है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अभी अगर आप बलेनो का लोअर वेरियंट लेते हो तो उसमें आपको 15 inches व्हील्स मिलेंगे, वही अगर आप उसका टॉप मॉडल लेते हो तो उसके अंदर आपको 16 inches अलॉय व्हील्स मिलेंगे। वही अगर मैं बात करूँ स्विफ्ट की तो स्विफ्ट के लोअर वेरियंट्स में आपको 14 inches व्हील्स मिलते हैं और उसका अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर आपको 15 inch के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो व्हील साइज यहाँ पर आपको बलेनो के अंदर थोड़ी बड़ी मिलती है। अभी ये दोनों गाड़ियाँ खराब रस्तों में कैसी परफॉर्म करेगी, स्टेबिलिटी वगैरह कैसी होगी उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के बारे में जो कि है इंजन और गियरबॉक्स। अभी दोनों ही मारुति की गाड़ी है तो दोनों के अंदर आपको वही 1.2 लीटर वाला ड्यूल जेट वाला इंजन मिलता है। अभी इस इंजन की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलती है और साथ में जो एफिशिएंसी है इंजन की वो भी काफी ज्यादा सही है, मतलब माइलेज जो है वो आपको 20 के आसपास ही मिलेगी अगर आप हाईवेज पर चलाते हो। अगर आप सिटीज में चलाएंगे तो दोनों गाड़ी के अंदर आपको लगभग 17 या फिर 16 के आसपास माइलेज मिलेगी और ये जो माइलेज है ना वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में आपको रिफाइनमेंट भी काफी ज्यादा जबरदस्त मिलती है,
आपको किसी भी तरह की इंजन नॉइज या फिर जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल भी फील नहीं होते। और रिलायबिलिटी में कोई भी शक नहीं है, अगर आप इस गाड़ी को 10-15 साल के लिए भी रखेंगे तो इस गाड़ी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों की जो इंजन है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स के बारे में, तो दोनों के अंदर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है और दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। अभी मैनुअल जो गियर बॉक्स है वो दोनों के अंदर आपको सेम टू सेम मिलता है, सेम गियर बॉक्स यूनिट है और गियर शिफ्टिंग दोनों में आपको काफी स्मूथ मिलती है। अभी दोनों ही कार्स के अंदर क्लच की प्लेसमेंट मुझे काफी सही लगी और क्लच भी काफी लाइटर साइड में है, तो आप सिटीज में आप इस गाड़ी को बहुत ही आराम से चला सकते हो। इसके अलावा ऑटोमेटिक के अंदर आपको AMT मिलता है। अभी पुराने बलेनो के अंदर ना आपको CVT मिलता था और CVT डेफिनेटली काफी ज्यादा स्मूथ था, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव था कम्पेयर टू दी AMT। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी है न्यू बलेनो के अंदर, लेकिन फिर भी दोनों के AMTs में आपको कोई भी अंतर फील नहीं होता, काफी स्मूथ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जर्क फील होता है कंपेयर टू दी CVT। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोनों ही गाड़ियों की ड्राइविंग फील की, राइड क्वालिटी की या फिर स्टेबिलिटी की, तो सबसे पहले ड्राइविंग का जो फील है ना वो आपको दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों की जो सीटिंग है वो काफी लोअर है, तो आपको एक स्पोर्टियर जो फील है दोनों ही कार्स के अंदर वो डेफिनेटली मिलेगा। बाकी दोनों ही गाड़ियों को मैं सिटीज़ के लिए ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। बाकी अगर आपकी रनिंग सिटीज़ में ज़्यादा है तो दोनों ही गाड़ियों को ना आप काफ़ी एफर्टलेसली चला सकते हो। एक तो आपको इसमें काफ़ी स्मूथ गियरबॉक्स मिलता है, सेकेंडली इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट मिलता है, जिसकी वजह से आप इसको कहीं पर भी ट्रैफिक के थ्रू चला सकते हो सिटीज़ में। बाकी जो NVH लेवल्स है यानी कि रोड नॉइज़ वगैरह, वो आपको बलेनो के अंदर थोड़ा सा कम सुनाई देगा कंपेयर टू दी स्विफ्ट, क्योंकि नई बलेनो के अंदर इंसुलेशन में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, जिसकी वजह से अंदर ड्राइव करते समय आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई नहीं देती है कंपेयर टू दी स्विफ्ट। स्विफ्ट में आपको रोड नॉइज़ वगैरह जो विंड नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फील होती है। बाकी अगर मैं बात करूँ हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी दोनों की मुझे काइंड ऑफ इक्वल लगी। अभी पुरानी जो बलेनो थी उसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिकॉज उस गाड़ी की वेट काफ़ी ज़्यादा कम थी और उसके जो सस्पेंशन थे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ थे, जिसकी वजह से 80-90 की स्पीड पर वो गाड़ी झूलने लगती थी। लेकिन अभी न्यू बलेनो के अंदर इस चीज़ को इम्प्रूव किया गया है, बिकॉज इस गाड़ी में आपको वेट थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। सेकेंडली जो गाड़ी की हाइट है ना उसको भी थोड़ा सा घटाया गया है, सस्पेंशन को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो 100-120 तक आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो, लेकिन उसके ऊपर ना बलेनो थोड़ी सी अनस्टेबल फील होनी आपको शुरू हो जाएगी। अभी स्विफ्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार है, आप इस गाड़ी को भी 120 की स्पीड तक आराम से चला सकते हो, लेकिन फिर भी कम वेट होने की वजह से 120 की स्पीड के ऊपर ये गाड़ी थोड़ी सी अनस्टेबल फील होती है। बाकी हाई स्पीड में जो हैंडलिंग है दोनों ही गाड़ियों की वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, दोनों में इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ टाटा की, तो टाटा की जो अल्ट्रोज है या फिर जो टियागो है ना उसके अंदर आपको हाई स्पीड में हैंडलिंग काफी ज्यादा जबरदस्त मिलती है, तो वो चीज डेफिनेटली बलेनो और स्विफ्ट के अंदर इंप्रूव होनी चाहिए। बाकी स्टेयरिंग का जो फीडबैक है वो आपको बलेनो के अंदर थोड़ा सा बढ़िया मिलता है कंपेयर टू दी स्विफ्ट। तो ये था मेरा ओपिनियन रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। अभी अगर मैं बात करूँ राइड क्वालिटी के बारे में, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि बलेनो के अंदर जो है सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया है, जिसकी वजह से आपको इस बार ना राइड क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिलेगी। तो अगर आप थोड़ा बहुत इसको खराब रस्तों में भी चलाते हो, गड्ढों में अगर आप बहुत ज़्यादा चलाते हो, तो आपको ज़्यादा झटका फील नहीं होगा अंदर की तरफ। बाकी स्विफ्ट के अंदर आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छे सस्पेंशन मिलते थे, तो राइड क्वालिटी वगैरह स्विफ्ट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी इवन अगर आप उसको खराब रस्तों में चलाएंगे तो। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करो फीचर्स के बारे में, तो फीचर वाइज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे आप बलेनो का बेस वेरिएंट लो या फिर उसका टॉप वेरिएंट लो, फीचर्स के मामले में बलेनो काफी ज्यादा आगे निकल जाती है कंपेयर टू दिस स्विफ्ट। तो अगर आपको फीचर्स ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली बलेनो के अंदर जा सकते हो, बिकॉज बलेनो के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि आपको सेगमेंट के अंदर कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, जैसे कि आपको नया HUD डिस्प्ले मिलता है, सेकेंडली आपको 360 डिग्री वाला कैमरा मिलता है, और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। सेकेंडली इस गाड़ी के अंदर आपको रेयर एसी वेंट्स भी मिलेंगे जो कि स्विफ्ट के अंदर अभी मिसिंग है। तो फीचर वाइज मैं कहूंगा कि बलेनो डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट चॉइस रहेगी। बाकी सेफ्टी के बारे में बात करो, तो सेफ्टी के हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी जो क्रैश टेस्ट है ना वो केवल स्विफ्ट के अभी निकल कर आ चुकी है। अभी ग्लोबल एनकैप के अंदर स्विफ्ट की टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस गाड़ी ने स्कोर किए थे लगभग 2 स्टार, जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बलेनो की टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है ग्लोबल एनकैप के अंदर, और नई जो बलेनो है ना एक्सपेक्टेड है कि वो ग्लोबल एनकैप के अंदर अराउंड 4 स्टार्स भी स्कोर कर सकती है, ऐसे मैंने बहुत सारे वेबसाइट वगैरह में देखा था। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये गाड़ी एक सेफर चॉइस हमारे लिए बन जाएगी।
बाकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूं तो सेफ्टी फीचर वाइज नो डाउट यहाँ पर जो है आपको बलेनो ज्यादा एडवांस मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी बलेनो का अगर आप जीटा या फिर अल्फा वेरियंट लेते हो तो उसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ऐसे ही आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि स्विफ्ट के अंदर मिसिंग है। वैसे स्विफ्ट का अगर आप टॉप मॉडल AMT लेते हो तो उसके अंदर आपको ESP मिल जाता है, लेकिन फिर भी बाकी जो 6 एयरबैग्स वाले जो फीचर्स है ना वो स्विफ्ट में कंप्लीटली मिसिंग है, चाहे आप उसका टॉप वेरियंट भी ले लो। तो डेफिनेटली आप सेफ्टी फीचर्स के मामले में आपको बलेनो जो है वो काफी ज्यादा एडवांस मिलती है। तो सेफ्टी के हिसाब से मैं कहूंगा कि बलेनो डेफिनेटली यहाँ पर बेटर चॉइस है कंपेयर टू दिस स्विफ्ट, बिकॉज बलेनो के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स भी ज्यादा मिलते हैं और यहाँ पर जो है बिल्ड क्वालिटी को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है कंपेयर टू दिस स्विफ्ट। अभी चलिए बात कर लेते हैं डायमेंशन एंड स्पेस के बारे में। अभी दोनों ही गाड़ियों के जो डायमेंशन है उसको मैं फ्लैश कर दूंगा स्क्रीन पर, तो आप उसको पढ़ सकते हो। अभी बलेनो एक बड़ी सेगमेंट वाली गाड़ी होने की वजह से स्विफ्ट से ज्यादा जो है उसके अंदर आपको लेंथ मिलती है और इवन विड्थ भी जो है वो आपको मारुति स्विफ्ट से ज्यादा मिलती है, लेकिन हाइट के मामले में आपको स्विफ्ट थोड़ी बड़ी मिलेगी, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर आपको हेडरूम में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अभी ओवरऑल डायमेंशन वाइज बलेनो ज्यादा बड़ी होने की वजह से उसके अंदर आपको स्पेस भी काफी अच्छा मिलेगा। अगर आपकी हाइट 6.2 के आसपास भी है तो आप इस गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हो, लेगरूम एंड नीरूम के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है और पीछे की सीटों में लगभग 3 बड़े भी आराम से बैठ सकते। बाकी अगर आप थोड़ा सा सीधे बैठेंगे तो हेडरूम में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप आराम से रिक्लाइन होकर बैठते हो तो हेडरूम में आपको कोई भी जो है बलेनो के अंदर दिक्कत नहीं होगी। स्विफ्ट के अंदर भी आपको काफी डिसेंट स्पेस मिलता है, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो उसके अंदर आप बैठ सकते हो आराम से, लेकिन लेगरूम आपको बलेनो जितना नहीं मिलता। बाकी पीछे की सीटों में लगभग 2 बड़े और एक बच्चा जो है वो आराम से बैठ पाएगा स्विफ्ट के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बूट स्पेस के बारे में तो बूट स्पेस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो बलेनो के अंदर आपको मिलता है 318 लीटर का बूट स्पेस, वही आपको स्विफ्ट के अंदर मिलता है 268 लीटर का बूट स्पेस। तो बूट स्पेस के मामले में भी यहाँ पर जो है आपको बलेनो ज्यादा बेहतर मिलती है कंपेयर टू दी स्विफ्ट। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं उतरने बैठने के कंफर्ट के बारे में, मैं बात कर रहा हूं इनग्रेस और आउटग्रेस की, तो इस मामले में जो है मुझे स्विफ्ट यहाँ पर ज्यादा बेहतर लगी, बिकॉज स्विफ्ट की हाइट थोड़ी ज्यादा होने की वजह से आप उसके अंदर थोड़ा सा आराम से उतर बैठ सकते हो। बाकी अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है या फिर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो बलेनो के अंदर बैठने उतरने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज आपको सबसे पहले कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट कंपेरिजन दोनों ही गाड़ियों के बीच में। अभी चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। अभी दोस्तों अगर मैं बात करूं कंक्लूजन के बारे में तो हमेशा मैं क्या करता हूं कि मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ियां रेकमेंड करता हूं, लेकिन इस बार ना मैं आपको डायरेक्टली बलेनो यहां पर रेकमेंड करूंगा, बिकॉज बलेनो डेफिनेटली स्विफ्ट से काफी ज्यादा बेहतर चॉइस है, चाहे आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको सिटीज में ज्यादा चलाना है, अगर आपको एवरेज ज्यादा चाहिए, फीचर्स भी अगर आपको ज्यादा चाहिए, अगर आपको ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी वाइज भी गाड़ी बेहतर चाहिए, रीसेल वैल्यू अगर आपको अच्छी चाहिए, रिलायबिलिटी अगर आपको बढ़िया चाहिए, इंजन आपको बढ़िया चाहिए, तो हर आपके रिक्वायरमेंट के लिए बलेनो आपके लिए फिट बैठेगी। तो डेफिनेटली आप बलेनो यहाँ पर आग बंद करके ले सकते हो। और स्विफ्ट तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करने वाला। एक टाइम पर स्विफ्ट काफी सस्ते दाम में मिलती थी, तब ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी थी, लेकिन फिर भी अभी मैं कहना चाहूंगा कि बलेनो आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। तो इसी के साथ दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।